हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ चैनल सॉल्यूशन। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, जिसमें हमने ये देखा था कि कोई ड्रग किन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली अपना रिजल्ट यानी कि इफेक्ट शो करता है। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, और इसमें हम ये देखेंगे कि उस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए ड्रग कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से पाथ को फॉलो करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब होता है जब कभी कोई ड्रग अपना इफेक्ट शो करता है तो वो कैसे करता है, कब करता है और कहाँ करता है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करता है, इन सब की कंबाइंड स्टडी कहलाती है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। सिंपल सा कहें तो कैसे काम करता है, ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहलाता है। कोई भी ड्रग अपना एक्शन बेसिकली चार फंक्शनल प्रोटीन के थ्रू या उनकी मदद से प्रोड्यूस करता है। ये चार मेन फंक्शनल प्रोटीन हैं, एंजाइम, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर और फिर हमारा लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर के थ्रू। इन चारों के थ्रू या इन चारों की मदद से इनको अल्टर करके कोई भी ड्रग अपना एक्शन शो करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम की, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने एंजाइम हैं इनका नेचर है प्रोटीन, और ये जो एंजाइम है एंजाइम के साथ बाइंड होने वाले सब्सटेंस को हम बोलते हैं सब्सट्रेट। उसकी बाइंडिंग की जगह को ब्लॉक करने वाले या इनहिबिट करने वाले को बोलते हैं हम इनहिबिटर, और जिस साइट पे बाइंड होता है उसे कहते हैं एंजाइम बाइंडिंग साइट। तो जब कभी भी कोई सब्सट्रेट एंजाइम पे बाइंड होता है तो वो एंजाइम प्लस सब्सट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन कहलाता है। इसके ऊपर हमने एक एनिमेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इजी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं एंजाइम और सब्सट्रेट को हम किस प्रिंसिपल के थ्रू समझ सकते हैं। एंजाइम और ड्रग का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल लॉक एंड की थ्योरी जैसा है, उसी तरह से हम उसको समझ सकते हैं। हमारा जो एंजाइम है ये एज अ लॉक काम करता है, जब तक ये लॉक खुलेगा नहीं तो बाहर से अंदर की एक्टिविटी मूव नहीं हो पाएगी और कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें शो नहीं होगी। तो कोई भी ताला खुलेगा कब, जब उस ताले की बनी हुई स्पेसिफिक स्ट्रक्चरली सिमिलर चाबी उस ताले के ओरिफाइसेस पे जाएगी और उसको मूव करेगी तो ताला खुलेगा और एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम एंजाइम को लॉक जैसा मानते हैं, ट्रीट करते हैं, तो डेफिनेटली सब्सट्रेट को जो कि उस बाइंडिंग साइट पे फिट होगा हम इसे की कह सकते हैं। और जब इस एंजाइम के लॉक पे सब्सट्रेट का की बाइंड होगा तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके थ्रू प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आगे जाकर के बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा, और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसके लिए हमने उस ड्रग को लिया था, या यूं कहें कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अब ये डिजायरेबल भी हो सकती है और अनडिजायरेबल भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, और ये तभी बनेगा जब इस पर्टिकुलर एंजाइम के लॉक पे इस पर्टिकुलर सब्सट्रेट का बाइंडिंग होगा, यानी कि लॉक पे पर्टिकुलर स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर एंजाइम यानी कि सब्सट्रेट बाइंड हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स पूरा होगा। अगर इनहिबिटर बाइंड होता है तो वो खुलेगा नहीं। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर की, तो इनहिबिटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मतलब होते हैं ऐसे इनहिबिटर जो सेम बाइंडिंग साइट के लिए फाइट करेंगे, इसी जगह को अचीव करने के लिए फाइट करेंगे। तो इसी जगह को अचीव करने के लिए जो फाइट करेंगे उस तरह के इनहिबिटर को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर हमने इसे लॉक का नाम दिया है तो इसी एग्जांपल को आगे फॉरवर्ड करते हैं। लॉक में कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लॉक की किसी दूसरे लॉक में फिट हो जाती है, लेकिन फिट होने का मतलब ये नहीं है कि वो लॉक को टर्न करने पे वो लॉक खुल जाए। तो इनहिबिटर्स जो कॉम्पिटिटिव हैं वो उस जगह पे बाइंड तो हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी सेम है, साथ में बैंड दिख रहे हैं, पर उनकी फंक्शनल एक्टिविटी सेम नहीं है। इसलिए आगे जाकर के या तो कोई नॉन फंक्शनल ग्रुप को प्रोड्यूस करेंगे या तो कोई प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये दो चीजें हो सकती हैं। कॉम्पिटिटिव के अंदर हम बात करते हैं अगर तो उसी जगह के लिए फाइट होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की इनहिबिटर्स की, तो हैवी मेटल है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं, ये उसके प्रोटीन के जो बाइंडिंग साइट है उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं मतलब ये जो बाइंडिंग साइट आप देख रहे हैं इसी शेप का है, ये इसके शेप को इररेगुलर कर देंगे जिसकी वजह से हमारा सब्सट्रेट उस पे बाइंड नहीं हो पाएगा, डीनेचर कर देंगे, इसकी वजह से हमारा जो सब्सट्रेट है आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, वो बाइंड नहीं हो पाएगा। इस तरह से इनहिबिटर अपना एक्शन शो करते हैं। दूसरा इनहिबिटर के अंदर एग्जांपल है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नाम से ही क्लियर है, अगर इसको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मतलब ऐसे इनहिबिटर जो इनहिबिट तो करेंगे लेकिन एक जगह के लिए यहां पे कॉम्पीट नहीं करेंगे, इस पे अफेक्ट करके, इस पे बाइंड करके, जैसे पहला कॉम्पिटिशन में हो रहा था उसकी जगह पे बाइंड नहीं होंगे, उसके नियर बाय प्लेस पे बाइंड होंगे, और नियर बाय प्लेस पे बाइंड होने के बाद
इसकी एक्टिविटी को अल्टर करेंगे, वो कहलाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। जैसे अगर हमारे पास ये दो हमारा सेल स्ट्रक्चर है, एक एंजाइम बाइंडिंग साइट ये है, अगर इसी पे डायरेक्टली कोई इनिबिट कर रहा है तो वो हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कहलाएगा, लेकिन अगर कहीं और इसके अलावा कहीं और बाइंड होकर के इसकी एक्टिविटी को, पहले की एक्टिविटी को अल्टर कर रहा होगा तो वो कहलाएगा हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। ये हो गए हमारे एंजाइम के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं आयन चैनल्स की। हमारा जो दूसरा मेन फंक्शनल प्रोटीन का ग्रुप है वो है आयन चैनल्स। आयन चैनल्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आयन को आने या जाने देने वाला चैनल, रास्ता, दरवाजा, पाथ कहलाता है आयन चैनल। अब जिस रस्ते से या जिस गेट से होकर के कोई भी आयन जाएगा उस आयन के हिसाब से उसका नाम पड़ता है। अगर किसी पाथ को फॉलो करते हुए सोडियम जाता है, सोडियम आयन मूव करता है तो दिस इज कॉल्ड सोडियम आयन चैनल। सेम लाइक दिस आगे के साथ भी ऐसा ही होगा। सो आयन चैनल को हमने तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, दूसरा है जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल, तीसरा है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तीनों का मतलब समझ लेते हैं शॉर्ट में। लिगेंड गेटेड आयन चैनल मतलब होता है ऐसा आयन चैनल जो कि लिगेंड के आने के कारण से कंट्रोल हो रहा होता है, यानी कि लिगेंड के कंट्रोल में वो आयन चैनल हो। लिगेंड मतलब होता है कोई सिग्नल या कोई ड्रग का मॉलिक्यूल्स, दैट्स कॉल्ड लिगेंड। जिसकी वजह से गेट ओपन हो या क्लोज हो वो कहलाता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल। दूसरा है जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल, तो ऐसे सारे आयन चैनल जो कि जी प्रोटीन के कारण से रेगुलेट हो रहे हों, ओपन हो रहे हों, क्लोज हो रहे हों, तो वो कहलाते हैं जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल। अब ये जी प्रोटीन क्या होता है इसको हम आगे के वीडियोज में कभी देखेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप्स की, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में ये जो वर्ड हमने अंडरलाइन किया है वोल्टेज, वोल्टेज मतलब होता है किसी भी चीज का कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रिक वर्ड है बट हम इसको कंसंट्रेशन के रेडियन में समझते हैं। अगर सेल के बाहर कोई आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो आयन के बीच में एक्सचेंज होगा वो कहलाता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। क्योंकि वो जो आयन के कारण से गेट क्लोज हो रहा है या ओपन हो रहा है वो किसके कंट्रोल में है, वो इसी आयंस के कंसंट्रेशन यानी कि आयंस के वोल्टेज के कंट्रोल में है, उसको रेगुलेट ये आयन का कंसंट्रेशन कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। क्योंकि हमारे बॉडी का सिस्टम ये कहता है कि हमको होमोजेनाइज कंडीशन मेंटेन करना है, एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर दोनों के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हुए चलना है। अब हम इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है और ये हमारा इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन जो कि एक फॉस्फोलिपिड बैरियर से बना हुआ होता है। अब यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर आएगा जो उस एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा और अपने पर्टिकुलर जगह पे बाइंड होगा। जब ये मॉड्यूलेटर अपने कैरी फॉरवर्ड होकर के अपने पर्टिकुलर जगह पे बाइंड करेगा तो ये आयन चैनल आगे जाके ओपन होगा। पहले हम तो ये देख लेते हैं कि क्लोज है तो कैसे क्लोज है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैरियर जैसे स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, ये इस आयन को बाहर से अंदर आने में हिडन कर रहे हैं, उसको हर्डल कॉज कर रहे हैं, रुकावट कॉज कर रहे हैं। और ये तो इनहिबिटर है ही या ब्लॉकर है ही है। जब इस इनहिबिटर को छोड़ दें अगर और कोई ओपनर आता है और ओपनर आकर के अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा, ओपनर मतलब इसको खोलने वाला, तो ये ओपनर अगर बाइंड होगा तो आगे क्या होगा, इसके बाद का स्टेप है ये। अगर ये ओपनर अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होता है तो ये चैनल अब ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहां पे देख रहे थे ये क्लोज था और इसके क्लोज होने की वजह से जो आयंस हैं, सपोज दीज आर जस्ट सम आयंस, सोडियम आयंस, तो ये आयंस इस ब्लॉकिंग की वजह से बाहर से अंदर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ओपनर अपने पर्टिकुलर साइट पे बाइंड हुआ, इसने उस चैनल को ओपन किया, अब ये चैनल इस तरह से खुल जाएगा। और खुलने के बाद आप देख सकते हैं खुलने की वजह से ये हिडल हो गए हैं, नीचे छिप गए हैं, और जो आयंस हैं हमारे, जो भी हमने बात किया था सोडियम आयंस की, तो ये सोडियम आयंस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहां से बाहर से अंदर आते हैं, जब तक कि इन दोनों का कंसंट्रेशन, अंदर का कंसंट्रेशन यानी कि इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बराबर ये बैलेंस नहीं हो जाता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आयंस के चैनल्स ने आयन के मूवमेंट को या तो बाहर से अंदर या किसी और एग्जांपल में देखेंगे तो हम अंदर से बाहर इन दोनों को मूव करता है, कंट्रोल करता है। तो जिस आयन का जिस चैनल से आना जाना होता है वो उसी के हिसाब से आयन चैनल कहलाता है। अगर सोडियम आ रहा है तो इस कॉल सोडियम चैनल्स, कैल्शियम आ रहा तो कैल्शियम चैनल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयन चैनल हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड प्रोटीन फंक्शनल है यानी कि फंक्शनल प्रोटीन है वो है हमारा ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर क्या होता है? ट्रांसपोर्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी मॉलिक्यूल को, सिग्नल मॉलिक्यूल को, ड्रग को या कुछ और फंक्शनल एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट करता है या मूव कराता है, माइग्रेट कराता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंट्रा सेलुलर और ये हमारा सब्सट्रेट है। इस सब्सट्रेट को बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में आना है, तो किसी भी रीजन से वो एज सच अपने आप
इस एलाइन चैनल के थ्रू या एंजाइम के थ्रू नहीं आ पा रहा है, तो उसको कोई मूव कराएगा, कैरी करके बाहर से अंदर लेके आएगा, वो ट्रांसपोर्टर कहलाता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज ट्रांसपोर्टर। अब इस ट्रांसपोर्टर के पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट, जहाँ पे उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एक्टिविटी सेम होनी चाहिए, यहाँ पे सब्सट्रेट बाइंड करेगा और ये ट्रांसपोर्टर अपना शेप और मूवमेंट चेंज करेगा, मूव करेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्लॉक वाइज टर्न किया है, मूव करेगा। तो अब इसके मूव करने की वजह से ये जो सब्सट्रेट बाहर बाइंड हुआ था, ये घूम जाएगा और घूमने वैसे नीचे आ जाएगा। नीचे कहने का मतलब है कि इंट्रासेलुलर रीजन में आ जाएगा और इसको ड्रॉप आउट कर देगा। तो इस तरह से ये ड्रॉप आउट किया यहां और ये फिर खाली हो गया और फिर अपना शेप चेंज करके ये बाहर मूव करेगा, यहां से वापस एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, कोई दूसरा सब्सट्रेट बाइंड होगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा और बाहर से अंदर लेके आएगा। तो ट्रांसपोर्टर का काम बस इतना है कि वो बाहर से किसी सब्सट्रेट को बाइंड करे, टर्न करे, अंदर छोड़े, रिटर्न टर्न करे, बाहर जाए, बाहर से फिर बाइंड करे और फिर टर्न करके उसको बाहर से अंदर लेके आए। ये आपके ट्रांसपोर्टर का मेन काम होता है। बट अगर उस ट्रांसपोर्टर पे कोई इनहिबिटर आके बाइंड हो जाता है, जैसे आपने देखा तो ओपनर बाइंड हो रहा था, तो अगर ओपनर की जगह कोई इनहिबिटर बाइंड करता है, तो अब हमारा जो ट्रांसपोर्टर है वो रिटर्न मूव नहीं कर पाएगा और बाहर से सब्सट्रेट को अंदर लेके नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर ने कैसे काम किया। अब हम अगला जो बात करते हैं वह रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर एक मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो या तो सेल के सरफेस के बाहर या सेल के सरफेस के अंदर पाए जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हिसाब से। ये रिसेप्टर सिग्नल को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, सिग्नल को पहचानने और उसको आइडेंटिफाई करके अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने का काम रिसेप्टर ही करता है। इनका अपना खुद का कोई काम नहीं है, इनका अपना कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको उनके पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट पे लेकर के आते हैं। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर के बहुत सारे टाइप्स होंगे, हम आगे की वीडियोज में इसके बारे में वीडियो अपलोड करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं अगर रिसेप्टर्स की, तो ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक होता है और इसको हम एक अलग से टॉपिक में आपके सामने डिस्कस करेंगे। इन चारों जो फंक्शनल प्रोटीन है, इनमें खास बात क्या है ये हम बात कर लेते हैं। इन चारों के थ्रू कोई भी ड्रग अपना काम करता है और अगर हमको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है कि उस पर्टिकुलर फंक्शनल प्रोटीन से रिलेटेड काम ना हो, तो हम उसको ब्लॉक करने वाले एजेंट यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को हमको नहीं होने देना है, तो वी यूज एंजाइम ब्लॉकर। अगर हम चाहते हैं कि आयन चैनल के थ्रू किसी भी, जैसे मान लेते हैं ये वाला ये हमारा कोई आयन चैनल है, दिस इज सम आयन चैनल विच रेगुलेट द इनवर्ड्स ऑफ सोडियम। मान लेते हैं ये सोडियम चैनल है और ये सोडियम के अंदर आने को कंट्रोल करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई सी ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन में कि वो ड्रग अपना इफेक्ट सोडियम चैनल को ब्लॉक करके दे, जिसकी वजह से सोडियम बाहर से अंदर ना, इन केस ऑफ हाइपरटेंशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो ड्रग होंगे हमारे, जो भी ड्रग होंगे वो इस चैनल को अफेक्ट करेंगे और अफेक्ट करने की वजह से इस सोडियम को बाहर से अंदर नहीं आने देंगे। अगर सोडियम बाहर से अंदर आता था, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हाइपरटेंशन होता था, बीपी बढ़ जाती थी, तो अगर हमारा कोई ड्रग है जो कि इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, तो दिस इज कॉल्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर। यानी कि उस ड्रग ने इस चैनल को जो कि सोडियम के बाहर से अंदर आने को कंट्रोल कर रहा था, उसको ब्लॉक कर दिया। अब जब ब्लॉक कर देगा तो सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा और सोडियम के बाहर से अंदर ना आने की वजह से जिसकी प्रॉब्लम की वजह से बीपी बढ़ रहा था, अब वो प्रॉब्लम हमारी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। सो जो सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं, जो क्लोराइड चैनल ब्लॉकर हैं, या जो भी इस तरह के चैनल ब्लॉकर हैं, वो उस पर्टिकुलर चैनल को ब्लॉक करते हैं और उससे एसोसिएटेड आयंस का मूवमेंट कम कर देते हैं, चाहे वो बाहर से अंदर आने के मूवमेंट हो या अंदर से बाहर जाने की मूवमेंट हो। और कई चैनल ओपन भी करते हैं, उस चैनल को जो क्लोज हो गया है उसको ओपन भी करते हैं, दिस कॉल्ड ओपनर, पोटेशियम चैनल ओपनर, अदर टाइप ऑफ ओपनर। तो दो तरह के काम करेंगे, ओपन करके और क्लोज करके। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अ सिंपल एंड स्मॉल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। हमने बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बात किया हुआ है, हम आगे के बात करेंगे डिटेल से रिसेप्टर्स के बारे में। इसके पहले हमने एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक एनिमेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसे आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट एमसीक्यूज जीपैट की तैयारी के लिए या जो स्टडी मटेरियल्स हैं, नोट्स हैं, उनके पूरे के नोट्स आप हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। साथ ही साथ आप अपना ईमेल आईडी भी solutionpharmacy@gmail में रजिस्टर करा के आपको हर एक एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू देयर अपडेशन आपको डिलीवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी है, ये प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को और इससे ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।